कैसे हो आप सब। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, अगर आप जेसीबी मशीन का रीडिंग एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हो, जैसे आपका मशीन खड़ी रहती है और आप अगर चाहोगे कि इसका रीडिंग चलता रहना चाहिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये काम कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे आपका अगर घंटे पे मशीन काम करने के लिए जाती है, और वहाँ पे अगर आप चाहोगे कि मेरा मशीन कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग निकाल के दे, तो आप ऐसा कर सकते हो। और बंद में, जैसे बंद भी रहेगा मशीन और आप उसका रीडिंग बढ़ाना चाहोगे, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो गाइज, अगर आप लोगों को नहीं है पता, तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि आज का यह वीडियो टॉपिक यही है कि जेसीबी मशीन का रीडिंग बंद में कैसे बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ, सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। आप देख सकते हो कि अपना पूरा डैशबोर्ड है, जो मीटर जो होता है वो है, और मैं अभी स्विच देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं स्विच दे रखा हूँ, अभी मैं स्विच दिया हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हो रीडिंग का जो पॉइंट है जो बंद होगा। आप देख सकते हो, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो पॉइंट है वो बंद है, वो नीचे ऊपर भुक भुक नहीं करता है, तो समझ लेना कि इसका रीडिंग पॉइंट बंद है। और ये जो भुक भुक कर रहा है, मेरा मशीन अभी रिजर्व में है, इसीलिए वो सिग्नल दे रहा है। अब गाइज, यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप जैसे मेरा मशीन ये खड़ी है अभी, मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो कि मशीन अभी पूरा खड़ी है, अभी काम नहीं कर रहा है। अगर इसका अगर आप चाहोगे कि जैसे मशीन अभी बंद है, बंद पड़ा हुआ है, और आप अगर चाहोगे कि ये जो रीडिंग का जो पॉइंट है ये भी चले, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपको मशीन से बाहर जाना होगा और एक प्लग जो होता है उसे बाहर करना होगा। तो आप देख सकते हो गाइज, मशीन का लेफ्ट साइड में चले आना है। मशीन का लेफ्ट साइड में जैसे ही आते हो, मशीन का लेफ्ट साइड में आने के बाद, मैं दूर से थोड़ा बता दे रहा हूँ, ये अपना पूरा मशीन है और खड़ी है अभी, मशीन कोई काम नहीं कर रहा है, और आपको रीडिंग बढ़ाना है। तो आपको करना क्या है गाइज, आपको यहाँ पे आना है, देख सकते हो यहाँ, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो प्लग है गाइज, ये प्लग को आपको बाहर खींच देना है। जैसे ही आप बाहर खींच दोगे, आपका मशीन जो है बंद में भी रीडिंग इसका चलने लगेगा। तो इसको खींचने का क्या तरीका, आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे ये जो है ये आप देख सकते हो, ऐसे मैं दबा रहा हूँ, इसे दबा करके इसको बाहर खींच देना है। ऐसे देख सकते हो, मैं ये प्लग बाहर खींच दिया, ऐसे इसको दबा करके खींचोगे तभी ये बाहर आएगा। ये देख सकते हो दब रहा है, ये इसको दबा करके खींच देना है। उसके बाद मैं आपको फिर से मशीन में लेके चलता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि अपना जो रीडिंग का जो पॉइंट है वो चलता होगा गाइज। आप अब आप देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे, ध्यान से देखना गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रीडिंग का जो पॉइंट जो है, यानी बंद में भी आपको ये चल रहा है। आप देख सकते हो रीडिंग का जो पॉइंट है वो चल रहा है। जैसे गाइज, मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये मैं जानकारी के लिए मैं आपको बताया था कि आपको, मतलब अगर रीडिंग अगर आप बढ़ाना चाहोगे, तो आप मशीन का बंद में भी रीडिंग बढ़ा सकते हो। सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाया था। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ, सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए गाइज, मैं सबसे पहले फिर से मैं नीचे जा रहा हूँ, और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मशीन का जो है वो घंटा बढ़ाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को जानकारी के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। तो मैं फिर से इसको वापस लगा देता हूँ। तो गाइज देख सकते हो, इसको ऐसे दबा करके आपको ऐसे लगा देना है, देख सकते हो ये लग चुका है। और उसके बाद मैं अंदर में फिर से मैं जाके बताता हूँ, अपना जो रीडिंग का जो पॉइंट होगा वो बंद हो गया होगा। आप देख सकते हो गाइज, इसको मैं फिर से अंदर आया, ये अपना रीडिंग पॉइंट जो है ये बंद हो गया, देख सकते हो रीडिंग पॉइंट नहीं चल रहा है। तो गाइज, यहाँ तक अपना वीडियो था, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड गुड बाय।